हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही सिंपल और टेस्टी सूजी की बर्फी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में भी सिंपल है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो सूजी है यानी रवा, उसको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है सूजी। लो मीडियम हीट पर सूजी को हम हल्की सी ब्राउन होने तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कलर इसका चेंज हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है सूजी हमारा। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। चाशनी के लिए जितना हम सूजी लेंगे उसी का ही सेम लेंगे पानी और सेम क्वांटिटी में चीनी। चीनी के दाने मेरे थोड़े से मोटे हैं, इसलिए मैंने 1 कप से बस थोड़ा सा कम लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें। छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिक्स करेंगे और जो चीनी है इसको घुलने तक पका लेंगे। 8 से 10 मिनट तक और पका लीजिए। बस ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए उसके बाद ही हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो चाशनी मेरी रेडी है, इसको निकाल लेंगे एक जगह पर। एक छोटा चम्मच घी, इसे काजू और किशमिश जिनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी हल्की सी ब्राउन होने तक। और इसी में ही हमारा जो भुना हुआ सूजी है उसको भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए घी में भी इसे फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसमें जो हमारा चाशनी है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, जिससे हमारे जो सूजी के दाने हैं वो पक भी जाएंगे लेकिन दानेदार बनेंगे, जो खाने में बर्फ़ी में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इस समय थोड़ा सा मावा या फिर मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो पानी को मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही डाल दूंगी इस समय। मिक्स करेंगे और सूजी को लो हीट पर बस 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में मैं थोड़ा सा घी लगा लूँगी। सूजी को लेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। अच्छे से इसे स्मूथ कर लीजिए और ऊपर से हल्का हल्का आप कर्व्स लगाकर इसे सेट होने के लिए रख दें। अगर आप बाद में इसे कट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने के लिए टूट जाएगी, इसलिए आप हल्का कर्व्स लगा लीजिए। उसके बाद आप थोड़े से ज़्यादा कट्स करके इनको निकाल सकते हैं। तो बर्फ़ी को अब मैं रख दूँगी फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, उसके बाद निकाल कर इसे आप खाएँ। सूजी की बर्फ़ी को मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं और ये देखिए किस तरीके से रेडी हो चुकी है। इनको एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।